दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली इविलन और जॉम्बी का पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो आप पहले उसे देख लें, वरना वीडियो आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि गुल्ली बुल्ली शॉन रॉड के घर जा रहे होते हैं, तभी शॉन को कोई दिखता है और ये इसे देखने चला जाता है, मगर ये जॉम्बी इसकी चाल होती है और ये इसको पकड़ लेते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली जॉम्बी को शॉन को ले जाता देख लेते हैं, ये इसे लकड़ी से मार के बांध देते हैं और फौरन इस जगह से निकल जाते हैं। तभी यहाँ इविल नन आती है और इस जॉम्बी को बंधा देख के ये बिजली वाली इविल नन को उनके पीछे भेज देती है। घर आते ही इन्हें रॉड मिलता है और ये लोग इसके साथ में आइसक्रीम खा के घर में चले जाते हैं। तभी यहाँ बिजली वाली इविल नन आती है और छिपके गुल्ली को पकड़ के अपने साथ ले जाने लगती है और ये तीनों भी बाहर आके गुल्ली और बिजली वाली इविल नन को देख लेते हैं। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। ये गुल्ली को यहाँ पे ले आई है। ये जॉम्बी चाकू लिए इसी का इंतजार कर रहे थे। इविल नन कहाँ है, उसको बताओ खाना आ चुका है। ये घर से बाहर निकल आई। जॉम्बी जाके इसको मार दो, फिर हम इसे खाएंगे। कई दिनों बाद खाना खा के आज बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा ही खाना रोज मिला तब तो मजा ही आ जाएगा। मेरा समय समाप्त हुआ, मुझे अब जाना होगा यहाँ से। ये तो बिजली के झटके के साथ गायब हो गई। इसको हर बार बिजली से जाना जरूरी है क्या? अभी मैं मरते मरते बचा। ये तीनों यहाँ पे आ गए हैं। इस जगह खून देख के इनकी चीख निकल गई। लगता है उस इविल नन ने गुल्ली को खा लिया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, इसका बदला मैं उससे जरूर लूंगा। मगर इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि वो ज़ॉम्बीज़ यही हैं। इन्हें भी मार के खा जाए क्या? तीनों को खा लिया तो महीने भर की चिंता नहीं रहेगी। हम इन्हें नहीं खाने वाले हैं, इनको बेहोश करके इविल नन को दे देते हैं। वो शैतान को इनकी बलि चढ़ा के हमें और ताकतवर बना सकती है। ये दोनों इनके पीछे ही आ गए। अरे तुमने ये क्या किया, हमें इसे मारना नहीं था। चाकू को रखना तो मैं भूल ही गया था, ये भी जिंदा है। जल्दी इविल नन को बुलाते हैं। ज़ॉम्बीज ने तीनों को बांध दिया है। दोनों अब तालाब में इविल नन को बुलाने जा रहे हैं। बुल्ली रॉड, हमें यहाँ किसने बांधा? तुम दोनों बेहोश हो क्या? शॉन क्यों शोर मचा रहे हो? अरे रॉड जल्दी उठो, हमें इस रस्सी से निकलना होगा। उन ज़ॉम्बीज ने ही हमें बांधा है यहाँ पे। ये दोनों तो इतनी जल्दी यहाँ आ गए और इनके हाथ में एक इंजेक्शन भी है। तुम्हें लगता है इविल नन की दवा काम करेगी? उम्मीद तो कम है, मगर कोशिश करने में क्या ही बुराई है। इन लोगों ने रॉड को इंजेक्शन लगा दिया। अब ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? दोनों बेहोश होने का सिर्फ नाटक ही कर रहे हैं। बुल्ली ज़ॉम्बी क्या कर रहे हैं? कहीं ये हमें मारने वाले हैं क्या? रॉड तो काफी अजीब हो चुका है, ये तो इनके जैसा ही ज़ॉम्बी बन चुका है। इसका मतलब इविल नन की दवा काम कर गई। अब हम दोनों के लिए भी इंजेक्शन ले आते हैं। वो दोनों कब के भाग गए यहाँ से, तुमने देखा नहीं क्या? रॉड तो इस ज़ॉम्बी को ही मारे जा रहा है। तुम इसको अभी मारना बंद करो, अब तुम हमारे साथ हो। अब लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। रॉड ने तो इसे घुमा के दूर फेंक दिया। बुल्ली, हम रॉड के पास जाएं क्या? नहीं शॉन, रॉड के सिर पे खून सवार है, ये सब उसी इंजेक्शन के वजह से हुआ है। रॉड फिर से इस ज़ॉम्बी को मार ही जा रहा है। इसके पेट से तो गुल्ली निकल आया और ये अभी जिंदा भी है। रॉड इसकी ओर ही आने लगा। गुल्ली रॉड को इस हालत में देख के इस पेड़ पे चढ़ गया। अरे रॉड, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? डॉक्टर को दिखा के दवा ववा क्यों नहीं लेते हो तुम? रॉड तो पेड़ पे ही चढ़ने लगा। शॉन, हमें जल्दी रॉड को रोकना होगा, इससे पहले गुल्ली को मार दे। इसने रॉड पे पत्थर दे मारा। रॉड तो गुस्से में इसकी ओर आने लगा। शॉन भी यहाँ छिपा बैठा है। भला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हमला करने की? तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? खैर वैसे तो मैं भी खुद को नहीं जानता हूँ। गुल्ली इधर से डंडा लेके आ रहा है। रॉड ने इसे देख लिया।
शॉन के पास में एक आइसक्रीम पड़ी है जो कि इसने रॉड से ही चुराई थी। आइसक्रीम खाने की आवाज रॉड को आ गई है। तो तुम भी यहीं छिपे हो, अरे तुम्हारे हाथ में क्या अजीब सी चीज है? आइसक्रीम देख के इसको क्या होने लगा? रॉड का तो दिमाग खराब हो गया लगता है। गुल्ली बुल्ली जल्दी आके देखो इसको। गुल्ली बुल्ली इसके पास आ गए। लगता है तुम्हारे हाथ में आइसक्रीम देख के इसकी पुरानी यादें वापस आ रही हैं। रॉड का हुलिया भी पहले जैसे हो गया। ये शॉन पे किसने हमला कर दिया? ये तो दोनों इविल नन हैं। तुम्हारा निशाना चूक गया, तुम्हें निशाने पे थोड़ा और ध्यान देना होगा। तुम चिंता मत करो, अब मेरा निशाना सीधे उस रॉड पे है। दोस्तों क्या होगा आगे की स्टोरी में? क्या ये लोग दोनों इविल नन से बच पाएंगे, या ये दोनों तोप के हमलों से इन सभी को मार देंगी? ये सब देखेंगे हम इस कहानी के अगले पार्ट में। इसका अगला पार्ट जल्दी से देखने के लिए कमेंट्स में पार्ट 3 जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।